पांचों जज एकमत से डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूं, पूरी जमीन केंद्र सरकार को दी जाती है, केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगा, 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बना के ये पूरी जमीन ट्रस्ट को सौंप देगी, ट्रस्ट वहाँ मंदिर बनाएगा। केंद्र सरकार को ये भी कहा गया है कि आप जो वहाँ की जमीन है उसमें से 5 एकड़ या अयोध्या में कहीं भी 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड दे दीजिए, वो अपना वहाँ पे 2.77 एकड़ का जो दो जमीन, नहीं नहीं नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पूरा का पूरा कह दिया है कि वहाँ पे राम मंदिर इस्टेब्लिश हो रहा है, बर्थ प्लेस इस्टेब्लिश हो चुका है, पूरी की पूरी जमीन वहाँ की 2 एकड़ नहीं, जो वहाँ पे 60-65 एकड़ पूरा का पूरा है, वो सारा कहा है कि आप इसको एक ट्रस्ट को सौंप दीजिए, 3 महीने के अंदर वो ट्रस्ट वहाँ मंदिर बनाएगा। मुस्लिम पक्ष के लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके 5 एकड़ जमीन कहीं पे भी अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दे, सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पे अपना मस्जिद बनाएगा। कितना समय दिया उसके लिए? 3 महीने। इसके लिए 3 महीने का समय दिया है केंद्र सरकार को, 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाना है। चबूतरे की जमीन, सीता रसोई और जो पूरा जमीन है वो सारा का सारा हिंदुओं को सौंप दिया गया है, केंद्र सरकार को सौंपा गया है, केंद्र सरकार उसको एक जो हिंदुओं का ट्रस्ट होगा वो ट्रस्ट बना के उसको सौंप देगी। निर्मोही अखाड़ा का क्लेम खारिज कर दिया गया है, ये कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो निर्मोही अखाड़ा के भी एक सदस्य को उस ट्रस्ट में शामिल कर ले, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। निर्मोही अखाड़ा का क्लेम खारिज हो गया है, वक्फ बोर्ड का क्लेम खारिज हो गया है, सिया वक्फ बोर्ड का क्लेम खारिज हो गया है। 5 एकड़ जमीन एक सारे स्थितियों को देखते हुए कि वहां पे कभी मस्जिद बनी थी, वहां नमाज पढ़ी गई थी, उन सब स्थितियों को ध्यान रखते हुए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में, वहां राम जन्म में नहीं, पूरे अयोध्या में कहीं पे भी 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड दिया जाएगा।